हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज दिन है संडे, और संडे का दिन है, बच्चे को ब्रेकफास्ट कराना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम हो गया है आज की जो मदर लोग हैं उनके लिए। बच्चे इजीली खाना नहीं खाते हैं, कुछ भी अच्छा चटर बटर उनकी पसंद का हो तो वो आसानी से खा लेते हैं बिना कुछ कहे। लेकिन जब उनकी पसंद का फूड ना हो, नॉर्मल वेजिटेबल्स वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसको खाने में उनके बहुत नखरे होते हैं। इसका ये रोज़ का तीनों टाइम का ड्रामा है, ये खुद से नहीं खाता, मुझे ही इसे खिलाना पड़ता है। और सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं है, मैंने और भी घरों में कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो खुद से खाना नहीं खाते हैं और नॉर्मल खाना खाने में वो काफ़ी नखरे करते हैं। तो उन्हीं में से एक मेरा बेटा भी ऐसा है। पहले मेरी बेटी का भी यही हाल था, लेकिन ज्यों ज्यों वो बड़ी हुई त्यों त्यों वो ठीक हो गई है। वो खुद से खाना खा लेती है, कुछ भी बना हो चाहे जितना भी खाएगी, लेकिन आराम से खा लेती है, वो इतने ड्रामे अब नहीं करती है। और इसका तो हाल ऐसा है कि पूछो नहीं, मुझे तीनों टाइम अगर मैं इसे खाना नहीं खिलाऊं तो ये खाना छोड़ देता है, और एक बार भी ये नहीं कहता मम्मा मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, ये नहीं कहता। शाम के बज गए हैं 5, और 5 बजे मेरी अचानक से सिस्टर इन लॉ ऊपर आई और बोली कि चलो मार्केट चलना है, हमें कुछ ज़रूरी चीज़ लेना था जिसका हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि लेना है आजकल, और यही करते करते बहुत टाइम निकल गया लेकिन हम लोग नहीं ले पाए। लेकिन आज उसके लिए दिन निकल आया है कि आज हमें लेना ही है। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने जिद की कि इस बार तो लेना ही लेना है, काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या लेना है, जब मैं लूँगी तो आपको दिखा ही दूँगी कि क्या लेने जा रही हूँ। और मार्केट में देखो, हम लोग निकल रहे हैं तो मैं आपको अपनी लोकल जो मार्केट है वो दिखाते हुए जा रही हूँ कि सारी मार्केट आप लोग देख लो। बोर हो गए हो डेली आप लोग भी मेरे घर का, मेरे घर में बस घर में ही घूमते रहते हो, घर का ही मेरा जो भी नज़ारा है वो देखते हो, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा बाहर आपको ले चलूँ तो बाहर का भी नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ। मार्केट में भीड़ भी है और लोग भी काफ़ी इधर उधर जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मास्क भी नहीं पहनते हैं, तो उन्हें कोई भी टेंशन नहीं होती है कि कोरोना चल रहा है या नहीं, उनके लिए एक जैसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, मास्क हर एक को पहनना चाहिए, ये अपनी सेफ्टी के लिए भी है और दूसरे के लिए भी। इन भाई साहब को देखो ऐसे दौड़ रहे हैं बिना मास्क के मार्केट में, उन्हें कोई डर ही नहीं है, बस भगवान ही सब कुछ संभाल लेगा। इस टाइम पर दिल्ली में तो केसेस इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं कि अब उन्हें डे के हिसाब से काउंट नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से काउंट किया जा रहा है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग नहीं बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो मास्क अपनी नाक की जगह अपनी चिन पे रख लेते हैं, अपनी नेक पे रख लेते हैं, जैसे कि कोई फैशन के लिए उन्होंने पहना हो, बस दिखाने के लिए और फॉर्मेलिटी के लिए। शादियों का सीजन चल रहा है, लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं, और नहीं चाहते हुए भी कुछ लोगों को तो मार्केट में निकलना ही पड़ रहा है, मजबूरी है उनकी और करना ही पड़ जाता है। और जब घर में शादी ब्याह हो तो बहुत ज़रूरी हो जाता है शॉपिंग करना, हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता। जैसे मैं खुद भी हूँ तो मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, और अपनी आंखों देखी चीज़ें लेने में हम लोग मतलब बहुत लोग होते हैं जो विश्वास रखते हैं कि वो जो चीज़ आंखों के सामने है उसे ही देखो, उसे ही खरीद लो। तो ऐसा मेरा भी है, मैं भी ऑनलाइन ये सब खरीदना ज़्यादा लाइक नहीं करती हूँ, और शॉप या शोरूम में जाकर देख लो और जो मन आए वो खरीद लो, चीज़ जैसी भी है आखिर तुम्हारे सामने है, कोई रिटर्न का झंझट नहीं है। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां हमें जाना था, और कहां पहुंच गए हैं ये आप खुद देखिए, और हम यहां से दोनों लोग क्या खरीदेंगे ये आप खुद देख लीजिए, और चीज़ को ख़रीदने के बाद भी हमें कितनी परेशानी हुई इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। और उससे पहले यहां पे मेरे देवर जी और देवरानी पहुंच गए हैं और हम थोड़ा पीछे हो गए थे। अब हमने यहाँ पर सामान देखना शुरू कर दिया है, थोड़ा तो सात हजार। ओ भैया आपने गद्दे भी रखे हैं, अलमारी कितने की है? ये 7,500 की। अच्छा ये इसके साथ गिफ्ट है, दिवाली के बाद ऑफर खोला है क्या? अरे दीदी गिफ्ट तो कितने में कर दूँ? 6,500 कर दूँ? सही पैसा नहीं बुक करने ला, बुक करने के पैसे देंगे ना। मेरे हस्बैंड और देवर जी का कहना है कि हम अभी पैसे दे देते हैं और सामान कल में आकर ले जाएंगे, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि अभी हमने जो देख लिया सो ले लो, बात का लफड़ा मत करो। और मेरा तो हमेशा यही मानना है, जो भी हम शोरूम पे या शॉप पे जो सामान देख लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं,
उसे इमिडिएटली वहाँ से ले लेना चाहिए। ये देखो हमारी कैशियर साहब बिल देख रही हैं और हम अपने यहाँ से जो है कि सेलेक्ट कर लिया है। अभी एक अंकल हैं वो छोड़ने आ जाएंगे सामान और हम लोग तब तक निकलते हैं, आगे आगे पहुँचते हैं और देवर देवरानी जी भी आ जाएंगे पीछे से। तो क्योंकि जाना है और फिर जो अंकल सामान लेकर आएंगे उनको भी घर पे सामान उतरवाना है। बहुत ज़रूरी हो गया था इस सामान को लेना, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए हम मार्केट में आए और लेकर अपना सामान सेलेक्ट कर सीधे अपने घर चले गए। कहीं भी नहीं रुके हैं, दूसरी जगह हमने कोई सामान नहीं देखा है। और हम मार्केट तभी निकलते हैं जब हमें कोई ज़रूरी काम होता है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं। और अपने फादर इन लॉ को तो हमने बिल्कुल सख्त मना कर रखा है कि आपको निकलना ही नहीं है। मोस्टली जब भी वो गेट से बाहर निकलते हैं तो हम टोका टाकी करते हैं कि कहाँ पापा जी आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो बस हर एक को अपने जो घर में बुजुर्ग लोग हैं, पेरेंट्स लोग हैं, उनको उनका ज़्यादा इस टाइम पे ध्यान रखना है कि उनको बाहर कम से कम जाने दें, क्योंकि बीमारी कभी भी किसी को पूछकर और बताकर नहीं आती है। ये सामान यहाँ तक तो इजीली आ गया, कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ आने के बाद बहुत दिक्कत हुई जब हमने इसको जीने में चढ़ाना था, क्योंकि मेरा सामान ऊपर वाले फ्लोर पे ही जाएगा और जो मेरी सिस्टर इन लॉ देवानी का जो सामान है वो नीचे फ्लोर पे ही रहेगा। तो नीचे फ्लोर पे लाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, और जिस अलमारी को हम ऊपर पहुँचा रहे हैं इसे पहुँचाने में बहुत दिक्कत हुई है और ऊपर नहीं जा रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ हम लोगों को गाइड करते रहते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, हालांकि वो बुजुर्ग हैं और उनको मतलब चीज़ों का इतना आइडिया है ना कि एकदम से आप ऐसे करो ऐसे करो, बहुत अच्छा आइडिया देते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। और इस उम्र में भी देखो ये तो बाहुबली बनी रहे, लेकिन इनसे पहले मेरे फादर इन लॉ भी बाहुबली बन रहे थे, वो भी पूरी पूरी हेल्प करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आपके घर में जब बड़े बुजुर्ग हों और वो आपको हेल्प करें और आपको गाइड करें, तो सच में बहुत अच्छा लगता है और घर एकदम बिल्कुल भरा भरा सा लगता है कि हाँ हमारे सर के ऊपर कोई है जो हमें समझाता है कहता है। और रात में ही इन्होंने बोला है कि बस अब अलमारी आ गई है तो तुम इसमें तुरंत कपड़े लगा दो। हेलो फ्रेंड्स, हाय। तो बस अलमारी आ चुकी है और अब इसमें कपड़े लग रहे हैं। देखो इनको कल सुबह का भी इंतजार नहीं कि कपड़े कल सुबह लग जाएंगे इसमें करके, और अभी लगा रही है इसमें कपड़े। और ऊपर चढ़ाने में इसको बहुत दिक्कत आई है, सारे स्क्रैचेज वगैरह इसमें आ गए हैं, शायद दिख नहीं रहे होंगे आपको। और अंदर से ये कैसी है, सबसे ऊपर वाला लॉकर है ये है, ये हैंगर है, इनकी शर्ट यहाँ टांगूंगी मैं इसमें। और ये इस तरीके से खुल भी सकता है, चाहे तो आप इसे इस तरीके से कर लीजिए या फिर इस तरीके से इसको यहाँ लगाने के लिए एक लॉक भी उन्होंने दे रखा है इस तरीके से। और दूसरा फिर ये है, ये इस तरीके से खुल जाएगा और आप इसे अंदर से लॉक करोगे तो तभी नहीं खुलेगा। तो छोटा सा लॉकर इधर भी है। खैर आप ये बस सोचना कि मैं यहाँ गोल्ड छुपाऊंगी, इतना गोल्ड नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ छुपा सकूं, और ऐसा कुछ नहीं रखने वाली मैं इस तिजोरी में, बस नॉर्मल कपड़ों के लिए ही लाई हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। पूरा आपकी रास्ता अब देखो कि आ गए हैं, तो देखो ये जो बक्सा है ये मेरी शादी का बक्सा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो शादी में है वो बक्सा ही दिया जाता है लड़कियों को, उसका जो सामान लड़की के कपड़े लगते आते हैं और जो दहेज में कपड़े मिले होते हैं वो बक्से नहीं आते हैं। इसके दोनों कुंडे भी मेरे लड़के ने कमाल करके, एक मेरी गुड़िया के हाथ से टूट गया और एक मेरे बेटे के हाथ से, मतलब बेटे ने तो फिर जानबूझ के कांड किया, लॉक ऐसे अंदर डाल के और उसके ऊपर बैठ के तो वो टूट गया। अब देखो ये बक्सा भी इनके कपड़ों से पूरा भरा हुआ, हालांकि फोल्ड करके अच्छे से रखती हूँ लेकिन फिर भी ये भी एकदम भरा हुआ है। और इनके डेली यूज के कपड़े तो मैं बच्चों के इसी में रखूंगी क्योंकि इसमें से बच्चों को निकालने में आसानी रहती है। फिर ये कंडी भरी हुई है और इधर भी एक मेरी बेटी की पहली येलो कलर की एक कंडी है, और ये देखो ये भी पूरी कपड़ों से भरी हुई है। बहुत दिक्कत होती है जब इधर तक जाओ तब कपड़े नहीं मिलते, लेकिन अभी कपड़ों की वैसे देखोगे तो भरमार की, यहाँ भी कपड़े वहां भी कपड़े, तो बस अब मैं कपड़े लगा ले रही हूँ। और यही था मेरा आज का ब्लॉग कि आज मैं अलमारी लाई हूँ तो आपको दिखा रही थी। इधर ये बैंगल के लिए अलग से बना हुआ है सांचा इस तरीके से, लेकिन बैंगल मैं इतने ज्यादा बैंगल्स वगैरह खरीदती नहीं हूँ, जो भी खरीदती हूँ तो वो अलग से डिब्बे में संभाल के रखती हूँ। एक दूसरा मेरे पास बक्सा है, उस बक्से में रख देती हूँ मैं। बहुत ज्यादा कांच की चूड़ियां तो खैर मैं कभी भी नहीं खरीदती हूँ, नॉर्मली कड़े वगैरह खरीदने का मुझे शौक है तो मैं दूसरे उसमें रखती हूँ। इसमें शायद मैं कभी मुश्किल ही रख पाऊंगी क्योंकि बच्चे छेड़छाड़ देंगे, तोड़ भी देंगे। तो अब मैं कपड़े लगा ले रही हूँ फिलहाल, तो और आप ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही इसमें रखी हूँ। मेरा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा केयरफुल इंसान है, उन्होंने सबसे पहले इसको सैनिटाइज किया है पूरी अलमारी को, तो उन्होंने मुझे बताया भी कि मैंने इस अलमारी को जो है कि पूरा सैनिटाइज कर चुका हूँ, तो तुझे अब इसमें कपड़े रखने हैं तो रख ले। तो बस अब मैं कपड़े लगा ले रही हूँ इसमें सारे, इनके सबसे पहले इन्हीं के कपड़े लगेंगे क्योंकि इनको ही बहुत दिन से हो रहा था कि अलमारी, मुझे भी हो रहा था लेकिन इनको भी था कि अलमारी आ जाए, तो सबसे पहले इन्हीं के कपड़े लगा ले रही हूँ मैं। ये इनका मेरू कट ऑफिस जाने का,
विंटर सीजन में काफी बहुत सारे हैं। मोस्टली देखो मेरे हस्बैंड के पास पैंट जो है कि एक ही पैंट सेम पैंट दो दो होती है। ये देखो ये भी सेम कलर की है, ये भी सेम कलर की है, और इसमें की एक अभी यहाँ पे नहीं है, एक और ऐसी सेम है, दो दो मतलब हर पैंट का दो दो पेयर ले लिया। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, वीडियो को करूंगी मैं यहीं पे ख़त्म। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।